हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट रहें, अपग्रेड रहें, अपडेट रहें। कंप्यूटर के दौर में बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं निपेलियो एलईडी टीवी। ये 40 इंच का एलईडी टीवी है, इसमें नो पिक्चर साउंड ओके स्मार्ट एलईडी टीवी है। हमें स्मार्ट बनना है तो हमें उसकी जानकारी पहले से हासिल कर लेनी है, जिसमें हम अपडेट रहें, अपग्रेड रहें, स्मार्ट रहें। निबेलो का एलईडी टीवी है, इसके अंदर आप देख सकते हैं पीसीपी कॉम्बी पीसीपी है। इसमें S338 PB802 मदरबोर्ड लगा हुआ है कॉम्बी। इसका मॉडल नंबर है एलईडी का K4003। ये मदरबोर्ड का व्यू है। इसमें बैक लाइट नहीं जल रही है, साउंड ओके। हमने टेस्ट मीटर से बैक लाइट चेक की तो इसमें बैक लाइट थोड़ी ग्लो के बंद हो रही है। इसका इंडिकेशन है कि बैक लाइट ख़राब है, इसकी हमें बैक लाइट चेंज करनी पड़ेगी। ये नीचे पैनल का व्यू है, इसे हमें एलईडी को टीवी खोलना पड़ेगा। डबल SMPS वाला पावर सप्लाई लगा हुआ है इसमें। हमने एलईडी टीवी खोल लिया है, इसमें 3 स्ट्रिप लगी हुई है, 6 वोल्ट का बल्ब है और जो एक स्ट्रिप का साइज है वो 75 सेंटीमीटर है। एक स्ट्रिप में 8 बल्ब है और इनके वोल्ट एक बल्ब का वोल्टेज 6 वोल्ट है। हम टेस्ट मीटर से चेक करने के बाद इसमें कोई भी एलईडी नहीं जल रही है, ये बैकलाइट ख़राब है इसकी। हमने बैकलाइट नहीं डाल दी है, अब हम इसे चालू करेंगे। चालू करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी बैकलाइट ग्लो हो चुकी है और ये हमारा सेट ओके हो चुका है। अलग अलग ब्रांडों में कौन कौन सी बैकलाइट आ रही, कौन सा मदरबोर्ड आ रहा है, इसकी हमें जानकारी रखनी पड़ती है और हमें हमेशा अपग्रेड रहना पड़ता है। और ये आप देख सकते हैं निबेलियो का एलईडी 40 इंच का ओके हो चुका है। अब हम इस टीवी को पैक कर लेंगे। पैक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं पैनल हमने इसमें लगा दिया है। पैक करने के बाद हम इसे चालू करेंगे, हमारा टीवी नॉर्मली ओके हो चुका है। अपग्रेड रहे, स्मार्ट रहे, अपडेट रहे। अब हमने प्लग इन कर दिया है, हमारा टीवी चालू हो चुका है। पिक्चर और साउंड दोनों नॉर्मल है। अब हम इसमें केबल इंसर्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर और साउंड नॉर्मल ओके है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।